अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात डबल निगम की लॉटरी की। तो जयपुर शहर की स्थानीय सरकार के लिए नगर निगम हेरिटेज के 100 और ग्रेटर के 150 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। कलेक्टर जोगाराम की मौजूदगी में सभी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर के 250 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी का पिटारा खुलने के बाद चुनावी सियासत तेज हो गई है। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों और जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद तय हो गया है कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित है। कलेक्ट्रेट में सबसे पहले नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों की लॉटरी निकाली गई, फिर नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इस दरमियान विधायक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीजेपी विधायकों के परिसीमन को लेकर उठाए सवालों पर कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम स्तर पर वार्डों का परिसीमन हुआ है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 33 वार्ड और ग्रेटर में 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। देखिए, जो लॉटरी की प्रक्रिया की गई है पूरी, वो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सही तरीके से की गई है कि नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर दोनों के लिए विभिन्न वार्डों की जो लॉटरी है वर्गवार आज निकाली गई है और इसमें नगर निगम हेरिटेज के लिए 100 वार्ड और नगर निगम ग्रेटर के लिए 150 वार्डों के लिए लॉटरी निकाली गई। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटकर वार्डों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी थी ताकि जयपुर शहर की स्थानीय सरकार में ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। इस बार ज्यादा लोगों के पास पार्षद बनने का अवसर होगा। ऐसे में लॉटरी की प्रक्रिया को लेकर न केवल नेताओं बल्कि आमजन में उत्सुकता का माहौल रहा। लेकिन लॉटरी प्रक्रिया के दरमियान बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी, कालीचरण सराफ ने वार्डों के परिसीमन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन किया गया है वो गलत है। तो जनसंख्या देखो तो कहीं पर जनसंख्या 9000 है, कहीं पर जनसंख्या 13000 है। इसी प्रकार से यदि हम वोटर लिस्ट देखें तो वोटर लिस्ट में कहीं पर 4500 वोट, 5000 वोट के वार्ड बना दिए और कहीं पर जो है वो 13000 वोट्स के वार्ड बना दिए। 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन हमने सांगानेर के लगाए हैं, यदि उनको ठीक नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब ने आज कहा हम ठीक करेंगे, ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में फिर दोबारा बात करेंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्डों के आरक्षण की बात करें तो 100 वार्डों में 44 वार्ड अनारक्षित हैं, वहीं 21 वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 14 वार्ड लॉटरी के जरिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी महिला के लिए 7 वार्ड, अनुसूचित जाति के लिए 7 वार्ड आरक्षित हुए हैं। अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 4 वार्ड, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 2 वार्ड और एसटी महिला वर्ग के लिए 1 वार्ड आरक्षित हुआ है। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 150 वार्ड है, इसमें 59 वार्ड अनारक्षित है। सामान्य महिला वर्ग के लिए 30 वार्ड आरक्षित है, तो ओबीसी वर्ग के लिए 21 वार्ड, ओबीसी महिला वर्ग के लिए 11 वार्ड, एससी के लिए 15 वार्ड और एससी महिला वर्ग के लिए 7 वार्ड, एसटी वर्ग के लिए 5 वार्ड और एसटी महिला वर्ग के लिए 2 वार्ड आरक्षित हुए हैं। आरक्षण लॉटरी के बाद हेरिटेज और ग्रेटर में 103 वार्ड ऐसे हैं जिन पर किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। नगर निगम के वार्डों की लॉटरी निकलने के बाद तस्वीर साफ हो गई है और चुनाव मैदान में उतरने वाले नेताओं ने भी गुणा भाग शुरू कर दिया है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।